भाई विदाई भी लगी, पड़ी सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे यार। चाची देख लो, चाची ऊपर से आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी दीदी भी आ रही है भाई पीछे से। अपन भी जा ही रहे हैं, लेट हो गया, थोड़ा काम वगैरह कर रहा था एडिटिंग का। अरे है नहीं की तो अच्छी बात है, कंगी नहीं करनी चाहिए ज्यादा। गुड मॉर्निंग, शर्मा रही हैं भाई। भाई हमारे सीट वाले देखो कैसे लग रहे हैं, तुम बढ़िया से। A few moments later, देख लो भाई सब तैयार हो रहे हैं, दाम के लिए जा रहे हैं भाई। टचअप, वाह 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 वाह, क्या बोलते हैं मम्मी? मम्मी भी मैं बढ़िया आराम से बगैर तैयार हैं। तैयार कहाँ हुए? नया सूट है कि नहीं? पोछा पोछा तो लगा ही लिया। इस साइड काले आ रहे हो आप, इस साइड आ जाओ, इस साइड, इस साइड। ये 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 गोरी गोरे 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 बन गया। क्या वो क्या बोलते हैं इसे जो पहने अपने फ्रॉक सूट है? डड्डू फ्रॉक नहीं, फ्रॉक। अच्छा फ्रॉक, मैंने कहा डड्डू वाला सूट है। ये एक 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 है सादा कलर, एक पिंक, एक येलो। वाह वाह, सबसे ब्यूटीफुल तो ये लग रही है मेरी माँ। और सबसे ज्यादा सुंदर तो हमारी दादी लग रही है, देखो अम्मा है। अम्मा अम्मा लुकिंग सो ब्यूटीफुल है।
तो भाई अपने गांव में ना ये जो एरिया बचा हुआ था ऊपर से, और इसके जो लुक का काम है वो चल पड़ा, जो रोड का काम है भाई बहुत ज़रूरी था। शानी हो शानी, हाँ हेलो करे, हेलो नी नी लग रही जो आराम इतने पाठक बैग के घर के जल्दा तू रख, नहीं नहीं तू आपको पाया अपने साथ को पाना, जितना छुपोगे उतना ही पीछे आऊँगा, जितना छुपोगे उतना ही पीछे आऊँगा। भाई हम भी यहीं से राइडर बनने वाले हैं अपने इस रोड से डोक तक, क्यों नानू रोड बंद हो गया पर यार छठवीं सातवीं बार भाई फिर से हमें वो करना पड़ा, बिकॉज दीदी को पसंद नहीं आया था पहले वाला, और इस बार उसकी पसंद का हम कंप्यूटराइज लेके आए थे, उसका थीम जो थी जो उसको चाहिए थी उसके कमरे के लिए, तो कुछ ऐसा किया है। इसका लाइट पड़ रहा है ना उधर, कैसा देखिए आज उनको बताया मैंने, तो अभी क्या है ना यार बढ़िया से फोटो क्या लग जाए ना इधर, बढ़िया सा फ्रेम लग जाए ना किसी चीज़ की, जैसे एक फ्रेम यहाँ पर एक फ्रेम यहाँ पर, और जैसे एक राधा कृष्ण की ना हमें मुझे बहुत पसंद है लगाना, तो मैंने ये लगवाया था दीदी के कमरे में, तो दीदी बोलती है वाला ये ज़रा हवा के साथ है झूलता रहता है, तो यहाँ पर ना एक फ्रेम वो लगानी है, तो हमें टोटल 1 2 3 4 फ्रेमें लगानी है इस रूम में, और बाकी तो भाई ये लगा हुआ है इधर लगाना है, लेकिन पंखा लगा हुआ है इधर, तो हर जगह मतलब ऐसे है कि मुझे बहुत पसंद आया कलर, सच में यार मैं रियलिटी में बोलूँ बहुत पसंद आया। और फ़र्क क्या है कंप्यूटराइज में, कंप्यूटराइज में देखो इसमें बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट है, बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट ऐसा है ना, बिल्कुल कहीं भी आपको चिट्टी धारियाँ दिखेंगी ऐसे ऐसे पेंट के साथ, नहीं चिट्टी धारियाँ, आई विल से चिट्टी धारियाँ, तो और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऐसा लगा जैसे वो दूसरा होता है ना वो रोलर की तरह वो लगाया हुआ है लेकिन ब्रश के साथ किया हुआ है। हाँ तो जब मतलब दिन हो जाएगा तब बताएंगे, अभी तो लाइट भी कम है यार इधर थोड़ा, मतलब क्या ऊपर से ये पंखा क्या लाइट परछाई पड़ रहा है, और जो उसके मतलब डिसएडवांटेज वो है ना मतलब घोलने वाले के सिस्टम है, बताऊँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको बताऊँ मैं इधर से ये देख रहे हो, हाँ ये वाइट वाइट से देख रहे हो, ये वाइट वाइट से देखिए धारियाँ जो होती है ना ये वाली, ये कलर है और ये वाइट वाइट से धारियाँ हैं, ये फ़र्क है। कंप्यूटराइज करने से क्या होता है ना कि आपको पूरा टेक्सचर मिलता है और प्रॉपर, ज़्यादा नहीं यार 400-500 रुपये का, दीदी से पूछते हैं क्योंकि दीदी गई थी खुद अपना पेंट निकलवाने के लिए, दीदी कितना पड़ा देखो ये है एक रूम 2500 रुपये का, 2400 रुपये का, हाँ ऐसे भाई ना कितना लीटर लगा और ऐसे बच गया है, लेकिन 4 से 5 लीटर लगा है और काफ़ी अच्छा कलर हुआ यार, खुद देख लो बहुत मेरे को बहुत प्रीटी लग रहा है कलर भाई, मुझे मैं तो मिस कर रहा कि ऐसा होना चाहिए था मेरे कमरे में भी, पापा भी आ गए, पापा सी है? पापा कंप्यूटराइज है ये जो आपको 1800 मिलेगा वो 2500 में मिल रहा है, कंप्यूटराइज 1800 में क्या है उसे घोलना पड़ेंगे ट्यूब भी उसमें, और जिसमें वो चिट्टी धारियाँ भी दिखेगी, कंप्यूटराइज में ये ऐसा मेरे को क्लियर टेक्स्चर आ रहा है, और इसमें मेरे को क्लियर है, देखो इसमें किस कहीं भी चिट्टी धारियाँ नहीं है, देखो वाइट धारियाँ बिल्कुल भी नहीं है, बाहर वाले में इसलिए हैं बिकॉज वो ट्यूब घोलनी होती है कि डब्बा घोलना होता है वाइट पेंट में, वो लगा देते हैं ऐसा है, तो सब तोड़िए ना ये I begin to